इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाम न लेने की शर्त पर एक भाई ने सवाल पूछा है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो जिस्म मुबारक पर बीमारी का तज़किरा है तो उसमें बाज़ लोग कहते हैं कि उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे और बाज़ कहते हैं कि वो सिर्फ बीमारी थी, तो सही क्या है? दोनों तरफ के बयानात यूट्यूब के ऊपर मिल जाते हैं लोगों को, तो ये कहते हैं कि इससे कन्फ्यूज़न बढ़ती है कि लोग किस बात पर एतबार करें और किस पर ना करें। लेकिन इसमें कायदा ये है, समझने वाली चीज़ भी ये है कि अहले सुन्नत का यानी सुन्नी मुसलमानों का जो मसलक व मज़हब है वो अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में जो अकीदा है वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने नबियों को हर उस बीमारी से पाक रखता है कि जिससे लोग घिन खाते हों, जिसको लोग बुरा तसव्वुर करते हों, जिसके लोग करीब जाने से बचते हों, यानी जो सुनने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो किसी के जिस्म में इस तरह कीड़े पड़ना और वो भी नबी के जिस्म में, तो ऐसा नहीं है, ये मामला जो है वो दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो सब्र है और शुक्र है, तो हज़रत अय्यूब का जो ये सब्र और शुक्र का जो तज़किरा किया जाता है वो बीमारी की वजह से तो किया जाता है, मगर उस बीमारी को ये कहना कि वो कीड़े वाली बीमारी थी माज़ल्ला, तो इसके ऊपर अहले सुन्नत जो है वो मुत्तफिक नहीं है। इसीलिए ऐसा कहने से और सुनने से बचना चाहिए। अब जो लोग बयान कर रहे हैं तो आप उनकी बातों में इस बात को लेकर एतमाद ना करें। हाँ, उनके जिस्म में जिसको आबले बोलते हैं, यानी आबले कह लें या दाने फोड़े भी आम जुबान में बोलते हैं, तो वो जिस्म मुबारक में उनके थे, लेकिन उसमें ऐसा कोई तज़किरा कि कीड़े पड़ गए माज़ल्ला, और ये बहुत यानी सुनने में बहुत गंदा घिनौना सा लगता है। तो अम्बिया कराम के जो जिस्म होते हैं वो ऐसी बीमारियों से पाक होते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको कोई बीमारी होती है तो वैसी होती है कि जिससे लोग घिन नहीं खाते, मिसाल के तौर पे बुखार है, सर दर्द है, या दूसरे हाथ पैर जिस्म में कोई दर्द या तकलीफ़ है, कि ये कोई ऐसी घिनौनी बीमारी नहीं है कि जिससे लोग पास आने से बुरा महसूस करें। तो इस किस्म की आजमाइश अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती हैं, मगर ये कि कीड़े पड़ जाना ही बहुत यानी सुनकर भी कितना अजीब लगता है किसी आम इंसान के लिए। और अम्बिया अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक वो पाक होता है, यानी उस मर्तबे का होता है कि बाद विसाल भी उनके जिस्मों को जो है कब्र की मट्टी, ज़मीन की मट्टी तक नुकसान नहीं पहुँचाती। तो इसलिए ये तसव्वुर रखना या ख़याल रखना उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए, ये गलत है। ये ऐसा जहन में ना तो तसव्वुर रखा जाए और ना ही इस किस्म की बातें करी जाएं। बस इतना ज़रूर है कि हाँ, बीमारी थी, वो आबले थे जो जिस्म में गर्मी की वजह से पड़ गए थे, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो कीड़े उसके अंदर पड़ गए थे। पत्थर में